सॉस तैयार कर रहा हूँ मैं, इसको रू भी कहते हैं, व्हाइट सॉस, वो तैयार करके रख लेता हूँ। और फिर बाद में रावियोली का हम फ्लैटन पास्ता जिसको स्टफ करेंगे, को बॉयल करके देन गर्मा गर्म उसको परोसने वाले हैं। लुक एट हियर, नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं करने वाला हूँ कुछ इटालियन पास्ता। पास्ता होने वाला है स्टफिंग। सो स्टफिंग पास्ता घर में हम कैसे बनाते हैं ये आप जरूर सीखने वाले हैं, और उस पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए ये भी डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ मेरे अगले सेगमेंट में, इंट्रोडक्शन वाला। तो इंट्रो के दौरान आपको बताएंगे क्या क्या चीजें आपको चाहिए। बाय द टाइम अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। अदरवाइज अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हम लाइक नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। तो वक्त है अब इंट्रोडक्शन का। मेरे पास क्या क्या चीज है मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दूं। मेरे पास है चीज, मोजरेला चीज मैंने लेके आया हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, मिक्स है अंदर पे। और मेरे पास है मैदा, और मेरे पास है और एक और चीज जो बाद में हम सॉस के लिए यूज भी करेंगे। और हियर वी गो, हाउ वी गोना डू द पास्ता इन अ फैशन। सबसे पहले चीज को हम साइड में रख लेते हैं और इसको हम फाड़ लेते हैं। दो कप मैदा में नमक अपने श्रद्धा के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों ये मैदा अब गूंद के एकदम तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं रेस्ट पे, और रेस्ट में रखने के बाद इसके लिए तैयार करना पड़ेगा सॉस और स्टफिंग। तो फ्रेंड्स अब ये जो जो था मैंने गूंद के उसको तैयार कर लिया है, और अब साथ साथ में करना ये है कि चिकन जो बॉयल्ड है मेरे पास वो यहाँ पे मैंने रखा है, इसको मैं अब डी बोन थोड़ा कर लेता हूँ। ये थोड़ा गर्म है, मेक श्योर कि अगर चिकन को अब जब पका लें उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा रखें एंड इसको बारीक से चॉप कर लेंगे। फिर इसके साथ में चीज़ को ऐड करते हुए स्टफिंग कराते हैं। फ्रेंड्स अब ये चिकन मैंने करना है चॉप्ड, इस तरह से पका हुआ चिकन है। I have got some mozzarella. ये हो गया मिक्स चिकन के साथ में, और इस पे पड़ेगा थोड़ा सा ओरेगानो अपने श्रद्धा के हिसाब से। अब इस पे है लगने वाला ट्विस्ट, क्योंकि हमें चिली पसंद है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली को मैं चॉप करूंगा कुछ इस तरह से बारीक चॉप्ड। और ये 3C स्टफिंग में जाने वाले हैं। सो 3C में है चीज, चिकन एंड चिली। तो इसमें नमक हमें डालना नहीं है क्योंकि चीज हैज द सॉल्ट इन इट, चीज में नमक है ऑलरेडी, और चिकन को मैंने नमक के साथ पकाया है। अब इसको करना है बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स, ताकि चीज चिकन को चिली को कवर कर ले और उसको स्टफिंग के लिए तैयार कर ले कुछ इस तरह से। अब घर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रेसिपी है। देख सकते हैं कितना ये जबरदस्त लग रहा है।
ये रहा हमारा स्टफिंग, चिली चीज एंड चिकन रेडी विथ मी। अब इसको करना है स्टफिंग। फ्रेंड्स, अब ये जो इनिशियल प्रिपरेशन है वो तैयार हो चुका है स्टफिंग और डो के लिए। अब सॉस तैयार कर रहा हूँ मैं, इसको रू भी कहते हैं, व्हाइट सॉस, वो तैयार करके रख लेता हूँ और फिर बाद में रावियोली का हम फ्लैटन पास्ता जिसको स्टफ करेंगे को बॉयल करके देन गर्मा गर्म उसको परोसने वाले हैं। लुक एट हियर। सबसे पहले एक पैन लेते हैं, पैन को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी या बटर का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मेरे पास घी है, थोड़ा सा हीट में डाल के इस पर हम डालेंगे मैदा और थोड़ा सा इसको इसमें कर लेंगे मिक्स तो इस तरह से, फ्लेम थोड़ा सा कम हो कि मैं व्हाइट सॉस। और अब इसमें डालेंगे दूध, थोड़ी देर इसको पका लेते हैं। अब जैसे ही ये कुक होगा ये थिकन हो जाएगा और इसको हम उतार लेंगे। तो दिस इज व्हाइट सॉस इज रेडी टू मेक पास्ता। को किनारे रख देते हैं और अब करेंगे पानी को गर्म ताकि पास्ता हम तैयार करें स्टफ। इसको बॉयल कर लेंगे, स्लो आंच में रखेंगे इसको, हल्की सी तेल। फाइनली दोस्तों वक्त है अब रावियोली बनाने का और ये डो रेडी है। अब वक्त है इसको बंद करने का, तो इसको हमने करना है बंद कुछ इस तरह से। ये जो एरियाज हो ये बंद हो ताकि जब हम बॉईल करें ये बाहर स्पिल आउट ना हो। गाइस ये स्टफिंग पास्ता यानी कि रावियोली एकदम तैयार हो गया है और ये पानी भी गर्म है तो इसको वन बाय वन हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं। एक बार इससे जाएगा, थोड़ा पकना जरूरी है इसने। फ्रेंड्स अब ये ऑलमोस्ट कुकिंग लेवल तक आ गया है, फिर भी मैं इसको दूसरे वाले गैस में शिफ्ट कर लेता हूं। तब तक इसका सॉस की तैयारी कर लेते हैं कि सॉस के लिए हमें चाहिए पैन। कर लेते हैं चॉप। ये पैन गर्म हो गया है, अब इस पे थोड़ा सा घी या तो बटर का इस्तेमाल करेंगे। As the pan is heated, थोड़ा सा गार्लिक को इस पे रोस्ट कर लेते हैं।
जैसे गार्लिक हल्का सा रोस्ट हो जाए तो हमने जो व्हाइट सॉस तैयार किया हुआ है उसको इस पे प्लेस कर देंगे। इस पे डालेंगे ओरिगानो। अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिली और सॉल्ट, अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो गाइज ये व्हाइट सॉस अब लगभग लगभग तैयार है और इस पे अब डालता हूं फाइनली मिल्क सो दैट ये थोड़ा सा रनिंग पोजीशन पे आ जाए। जब तक ये सॉस एकदम रनिंग लेवल पे तैयार हो जाए, मेरे पास रवियोली अब ऑलमोस्ट कुक होके तैयार ऐसे है। इसको एक बार छान लेते हैं, हो गया है तैयार। इस पे मैं डाल देता हूं अमूल का क्रीम चीज और ये जो है इसको करेगा एनहांस एकदम बढ़िया तरह से। दो स्लाइसेस इज इनफ। पास्ता को छानेंगे, यू कैन सी रावियोली इज आउट। This looks so tempting. पूरी फैमिली के लिए तैयार। तो गाइस फाइनली पास्ता सॉस में डालकर तैयार हो गया, वक्त है परोसने का। मेरे पास है ये प्लेट, प्लेट में पास्ता को परोस रहा हूँ। लुक एट वन बाय वन, दिस इज हाउ इट इज डन। एंड गैस को हम बंद कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली आज हो गया रावियोली। रावियोली पास्ता आपने देखा कैसे ये बनता है। थोड़ा सा मेहनत है बट टेस्ट अनलिमिटेड है। वक्त है इसको टेस्ट करने का। सो लेट्स ट्राई दिस वन ऑफ द पीस। आई हैव टू ब्रेक इट। आज फोक का इस्तेमाल किया नहीं, मैंने इस्तेमाल किया है चम्मच का, क्योंकि इसके अंदर जो स्टफ है वो भी बाहर आ रहा है। अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त ये हो रहा है। आई होप आप भी इसको ट्राई करेंगे। एंड बाय द टाइम स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।